तो 20 जून से ही पानी बढ़ने लगा। बेतुकांदी का एक डैम है जो बांध, जो ट्रेडिशनल बांध होता है, वो टूट गया और पूरा शहर पानी में डूबने लगा। ये मेन रोड है सिलचर का, जो सारे के सारे डूबने लगे डूबने लगे, जिनको कभी लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं कि डूब सकता है, वो सारी चीज़ें डूबने लगी। रांगीर खाड़ी, नेशनल हाईवे पॉइंट, इवन शिवालिक पार्क, ये सारी जगह जो है, मेहरपुर, मेहरपुर में कभी भी फ्लड वाटर की एंट्री नहीं हुई, तो इस बार ये भी हुई, तो इतनी हालत ख़राब होने लगी। आप देख सकते हैं ये कुछ सीन है। सुबह को एक्चुअली बाजार गए थे मेरे फादर इन लॉ एंड हस्बैंड, तो वही से सीन्स लाए गए। और ये हमारा पारिवारिक टाइम फ्लड को देख के बिताते हुए। प्रज्ञा अपना समय यंत्र लेके बैठी थी टाइम पास करने कि टाइम क्यों नहीं जा रहा। ये कुछ सीन्स हैं, दिस आर कलेक्टेड, दिस आर कलेक्टेड फ्रॉम देयर। पानी 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 एवरीवेयर, पानी देख सकते हैं किस तरह से पानी की एंट्री हो रही है। और मतलब ये सोचने में भी डर लग रहा है कि क्या हालत हो गई। तो ये मेरी मदर इन लॉ बच्चों का रूफ गार्डन क्या है, कर रही जो हो? उन्होंने पूरा अपने हाथों से सजाया है इसको। अच्छा, तो और ये मोस्टली घर के जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट वाटर है, उन्हीं से बनता है। नीचे मैंने उनके चैनल का लिंक दिया है, प्लीज़ गो थ्रू जरूर इट, जरूर। बहुत ही अच्छा चैनल है जहाँ पे आपको उनके गार्डन के बारे में बहुत कुछ जानने का, प्लांट्स को किस तरह से उनका देखभाल करना होता है उनके बारे में जानने का मौका मिलेगा। तो फ्लड में भी प्रज्ञा के पास एक पीस ऑफ रूफ गार्डन है जहाँ पे वो खेल सकते हैं, तो रूफ से देख सकते हैं पानी का बहाव। ये काफ़ी ऊंचा एरिया है, नॉर्मली यहाँ पे पानी नहीं आता। क्या तुम फ्लड देख रही हो? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं NDRF की बोट्स जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए लोगों में रिलीफ डिस्ट्रीब्यूट करते हुए। और अगर आपने पैर दे दिया तो गीले हो जाओगे या फिर आप डिब्बे से बचा। देखो कितना फास्ट फास्ट पानी आ रहा है। अगर हम नहीं करेंगे तो हम दोनों गीले हो जाएंगे। देखो चलो आ जाओ, चलो चलते वापस घर। देखो फ्रॉग, ये भी पानी से बच के आया है। तो आज भी फ्लड कंटिन्यूड है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा पानी अराउंड 3 इंचेस रिड्यूस हुआ है, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बस जल्द से जल्द, लोगों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है सच्ची में, पूरा कैंप के काम भर जा रहे हैं। इतनी ख़राब हालत मैंने कभी नहीं देखी इसीलिए। कहा जाता है कि 1966 में ऐसा एक फ्लड हुआ था, उसके बाद कभी इतना भयंकर फ्लड नहीं हुआ, इस बार उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। ये मेरा छोटा सा रूम है, छोटा सा रूम जो जिसके बहुत सारी मेमोरीज एसोसिएटेड हैं। मेरी शादी होकर आने के बाद ये रूम मैंने अपने हाथ से सजाया था। मेरे इन लॉज का जो रूम है अपस्टेयर्स, ये भी डाउन स्टेयर्स एक्चुअली नहीं है, इस रूम से 10 सीढ़ीज की दूरी पे उनका रूम है लोकेटेड। तो ये दिस इज माई रूम सी, और दिस इज कूलर, फैन, एवरीथिंग। ये
रैक है, ये मेरे कान्हा, ही ऑलवेज ट्रेवल्स विद मी एवरीवेयर, ये उनके बर्तन हैं एंड ये कान्हा के कपड़े एंड ये दिस इज़ अ साइड टेबल, ये मेरे हस्बैंड का पुराना डेस्कटॉप है, तो दिस इज़ द थिंग। अब यहाँ से भी देख सकते हैं बाहर फ्लड का नज़ारा, इट्स विजिबल, ये देखिए पानी ही पानी अभी बाहर। पानी का जो रिजर्वर है वो डूब चुका है, तो मिनरल वाटर वगैरह बाहर से मार्केट से ला के हम लोग पीने का काम चला रहे हैं, और हल्का फुल्का कंटामिनेटेड वाटर जो है उसी का इस्तेमाल हो रहा है वॉशरूम वगैरह में, और खाना पकाना ये सारा कुछ मिनरल वाटर के ऊपर, तो मतलब लीटर्स एंड लीटर्स खरीद के लाए गए हैं, मुझे पता नहीं कितना टाइम चलेगा इन दिस सिचुएशन। और जैसे कि कल रात को रेन हुई तो मेरी मॉमिन लॉ ने पानी थोड़ा कलेक्ट कर लिया था ऊपर के जो टंकी है उसमें, तो उसी से नहाना धोना ये सब चल गया, सो दिस इज गोइंग लाइक दैट, वेरी सीवियर कंडीशन, प्लीज प्रे फॉर माय सिटी। तो ये प्रज्ञा ने मेरा एक ड्रेस पहना है जो प्रज्ञा का नाइटी हो गया, अब हम लोगों ने से ये मम्मा का नहीं अब से मेरा हो गया है। हाँ ये अब से प्रज्ञु का है, प्रज्ञु और मैं तो बेस्ट फ्रेंड है ना। ये क्या है? ये क्या था? ये तो मुझे भी पता नहीं क्या है। तो प्रज्ञा ने मेरी पुरानी एक कुर्ते को पहन लिया जो उसकी नाइटी बन गई, बहुत क्यूट सी प्रज्ञा, और हेलीकॉप्टर को यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से रिलीव किया जा रहा है, लोग पर्टिकुलर बिल्डिंग से या उस एरिया में रिलीव किया जा रहा है, वहाँ से जा जाकर तो कलेक्ट कर रहे हैं, नाव में भी हो रहा है, तो और भी ज़्यादा फास्ट करने की ज़रूरत है शायद, बट ट्राई हो रही है इस बार, ऐसी बात नहीं कि गवर्नमेंट काम नहीं कर रही, एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं कर रहा, बट ये हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए देयर शुड बी मोर इंटेंसिव। हाथ दे टच करियो ना, हूज बोट इज दिस? No, 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 no. Come here. Baba, Baba. Huh? ऊपर उठ जाओ, ऊपर उठ जाओ. Hold my hand. It's floating. Where? It's. But it will get stuck. Don't touch it again and again. Bye, बोल दो उसको. Bye. ऐसे थोड़ी सी ऊपर होके ना इस फ्लावर को मुझे देगा. तो रिलीव डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ और मोमेंट्स. आज पानी थोड़ा थोड़ा रिड्यूस होने लगा है. होप पानी और रिड्यूस हो. एंड आगे देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू। क्या वॉशरूम हो गया है? अभी पानी गया या है अभी तक? अभी भी है। तुम्हें शिल्टर में आके बोर हो रही हो क्या? मुझे घर जाना है, एयरपोर्ट भी नहीं है। क्या यहाँ पे पानी है बस? ओला भी नहीं है। इधर देखो, पानी फिनिश हो जाएगा तुम हैप्पी हो जाओगी।
लाइट भी नहीं है ना हमारा, लाइट भी नहीं है। बस उसके लिए भी लाइट दिखाई दे रही है। हाँ मजा आ रहा है थोड़ा सा।